गजाननम भूतगणादि सेविताम कपित चंबु फलचार भक्षणम उमाशुतांशु स्वविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंगन जय हो अलिंडी बुबू परमेश्वर भगवंत नारायण। माने तो देवता ने माने तो पत्थर को ना मुआ तो ये जो पत्थर हो भैया ये हूँ देश दू जगह ठुल ठुल मंदिर में दरी जा बहुत बड़े बड़े धामों में। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार जय माता दी प्रणाम पहला कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरी तैयारी है हमारे घर में ही एक जो घर के देवी देवता होते हैं अजिंडी बुबू जिसको बोलते हैं उनके वहाँ मैं दूध चढ़ाने जा रहा हूँ। यानी कि जब हमारी जो मावासी होती है भैंस गाय होता है ना जो भैंस होती है उसको जब हम पहली बार मतलब वो जो ब्याती है वो बच्चा देती है तो उसका जो दूध निकलता है वो सर्वप्रथम उस मंदिर में चढ़ाया जाता है और उसी को कहा जाता है कि ये भगवान होते ही इनकी रक्षा के लिए कि हमारा जहाँ गाय जो है खूब दूध दे और भैंस खूब दूध दे और जो है खूब सारा जो है घी बने उसके लिए होता है। तो आज मैं उधर जा रहा हूँ तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे तो नहीं है लेकिन कुछ मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे मंदिर की। तो ये फूल रखे हैं इसमें मैंने और ये इसके अंदर में काफ़ी सारा पूजा पाठ का सामान है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज इस खूबसूरत से गांव की इन हसीन वादियों से खूबसूरत सा एक नई मॉर्निंग के साथ। मौसम अगर आपको बताएं तो कुछ इस तरीके का है बहुत सुहाना और बहुत बेहतरीन और कैमरे में क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है ना क्योंकि बहुत अच्छा जो है मोबाइल मेरे पास में है। इस वक्त मैं तिमलादार में खड़ा हूँ तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ मेरी माता जी आ रही हैं वहाँ से थोड़ा माचिस लेके तो चलते हैं ठीक है आइए। अब हमारी ईजा जी जो है माचिस लेकर आ चुकी हैं इसमें नारियल है अगरबत्ती है और ये देखो मम्मी हमारी स्मार्ट लग रही है आजकल वो डाल के चश्मा लगा के देखो कानों में कितना महंगा महंगा सोने का लगा रखा है गले में भी देखो देखो पुराने जमाने का सोने का सुना छो तो चल लो महाराज अगले कंटिन्यू करना सफर का तो बने रहना ब्लॉक में। चलिए अभी मैं ऊपर जा ही रहा था तो मुझे एक नई चीज देखने को मिली। ये देखिएगा यहाँ पर कुछ तार बाड़ हुआ है तार बाड़ लगा हुआ है तो ये हमारे गांव के एक हमारे बहुत अच्छे इंसान है सौजन्य श्री दीवान सिंह पपोला जी सीकर सॉफ स्टोन माइन स्थान वन पंचायत पपोली वर्ष 2022-23 पौधा की संख्या 2000 हर वर्ष हर एक वर्ष एक पुत्र सम्मान एक वृक्ष जो है एक पुत्र सम्मान है कुछ इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। तो ये मेरे कैमरे में उल्टा दिख रहा है तो ये है इसका वो एक बार मैं सुलटे कैमरे से आपको इसको दिखा ये देख सकते हैं आप वो सेल्फी मोड में था तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने इसको उस मोड में किया है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको चचा जी इस तरह की सोच को गांव के समक्ष रखने के लिए जो भी पेड़ होंगे हरे भरे होंगे यहाँ पे भी। दोस्तों जो ये तार बाड़ लगाया है हमारे बहुत अच्छे चचा हैं गाँव के डूंगरी चचा जिसको डूंगरी का कौन है उन्हें देख रेख में लग रही हो कोई सरकार बजट आ रहा हो बोलते हुई साहब है ना तो बहुत बढ़िया काम करा हो और लेकिन बहुत सारे लोग ने जो हुई है मेरा सहयोग कर वाल तो ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो यही है बहुत बढ़िया है और चाचा चार यहाँ तीन चार आदि में और कोई होने गाँव में गए कि मतलब इसी के जो एक से एक बजट बुजट लाते रहो तो शायद गाँव में बहुत किस्मत और वो होना आज। तो मैं जाते जाते मेरे दो तीन चीज़ मिल रहा एक तो स्यूत मिल रहा मेरे बहुत बढ़िया स्यूत और एक ये मिल रहा मेरा सोला बूती जंगल में ही मिलता है ना ये सोल जो होता है ना एक जंगली जानवर होता है वो उसके पंख होते हैं इसके तो उसको जो है छोड़ के चले जाता है कभी कभी रात में है ना। तो ये स्यूत मिला मेरे को फर्स्ट क्लास और एक पत्थर मिला है मेरे को ये जो दंश डोंगू ने बेसिकली और इस पत्थर की भी पहाड़ों में पत्थर की भी बहुत मान्यता है। और किसी का बहुत अच्छी हो अच्छा इस कोने की झाड़दार पूछने ये लगे तो इस जगह ज्यादातर झाड़दार का पत्ता हो क्या कि जो नंतिन यहाँ हमारे देवभूमि हो तो नंतिन का छोट मोट छल चितर ब बयाव लगते रहो तो पूजने लीजिए कहूँ बेसिकली ये महत्व ये चूंकि जो ठुल ठुल मंदिर ने माने तो देवता ने माने तो पत्थर कोने ना हम वहाँ तो ये जो पत्थर हो भैया ये हूँ देश दू जगह ठुल ठुल मंदिर में दरी जा बहुत बड़े बड़े धामों में जैसे मैं धामों की अगर बात करूँ तो हमारे वहाँ हरिनाग धाम ज्वाला मैया शिखर मूल नारायण देवता आप कहीं भी जाओ नीचे कुछ सीमेंट का लिंग बनाया जाता है लेकिन हमारे घर गाँव में इस पत्थर को रखा जाता है यही वो पत्थर है ये अगर उन्हें दस दूँ तो ये महत्व है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अभी हमारे जो है मंदिर में पहुंच चुके हैं पूजा पाठ कर रहे हैं पूजा पाठ
चुकी है लगभग, अंदर दिया बत्ती जला दिया, ये धुनी जलाई है यहाँ पे फर्स्ट क्लास अगरबत्ती। ओम भूर्भुवः तस्य वित्तवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। नीलाम्बुदश्यामल कमलागम सीतासमारोह पितुर्वारिभागं बाणो महासायिक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपीतजम्बूफलचारभक्षिणां उमासुतांशुं स्वविनाशकारकं। नमामि विघ्नेश्वर पातपङ्कजं। जयो भगवन्त अजिण्यबुभुः परमेश्वर भगवन्त नारायण हलिका वाग्मर्या बलिका वाग्मर्या नाचनक फल दिनिशा दूधिया दूध दिनिशा परमेश्वर भगवन्त नारायण अमर गुरु बस ने खूब रक्षा करिया। जय हो भगवान मालिक है जंडी बबू परमेश्वर भगवान। जय हो भगवान मालिक, जय हो मालिक, जय हो मालिक। तो साथियों अभी हमारे पूजा पाठ हो चुकी है मंदिर में लगभग। अभी हमारी खाना पीना भी खा लिया हम लोगों ने, अब घर जाने की तैयारी हो रही है। और फर्स्ट क्लास एक रसगुल्ला है, आप लोगों भी खा लीजिएगा प्रसादा। और उसके बाद पूरी प्रसाद हलवा खीर ईर खा के हम घर को जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको घर जाके। ओम भूर्भुवः तस्य वित्तवरेण्यं भर्गो देवस्य। ओम भूर्भुवः तस्य वित्तवरेण्यं भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात्। नीलाम्बुदश्यामल कमलागम सीतासमारोपितवारिभागं बाणो महासायिक चारुचापं। नमामि रामे रघुवंशनाथं गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपीतचम्बूफलचारभक्षणं उमासुतांशुं स्वविनाशकारकं। नमामि विघ्नेश्वर पातपङ्कजं। जय हो अजिण्डी बुभुः परमेश्वर भगवन्त नारायण। क्यों चाहे रे अरे बहुत रो मतलब सब मतलब शांति हो सब मिल खाया कुत्ता मुंह तो पर आज भी दिया दिया छलक दिया 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 जानी जानी जब वाले धार पड़ जाओ धार पड़ जाओ। जय हो माता, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम 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 सीताराम। जय हो प्रभु। पूजा पाठ हो चुकी है, अब घर की तरफ को जा रहे हैं हम। आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। आज अजिंडी बुबू से भी हम आशीर्वाद मांगेंगे आप सभी के लिए कि खूब सारा दूध दही घी आपके घर में हो और आपको भी आशीर्वाद मिले इस वीडियो के माध्यम से। और दूध दही घी मक्खन खाते रहो, तंदुरुस्त रहो और सबकी सेवा करो। सामने हिमालय पर्वत दिख रहा है बहुत प्यारा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से जूम करके मैं दिखा सकता हूँ क्या हिमालय पर्वत को? नहीं दिख रहे। तो यही है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की विशेष जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी। जल्दी मुलाकात होगी आपको अपनी माता जी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। देना हो या मेरा खोली का गणेशा हो, देना हो या मेरा पंचनामा दे बाहु। जय हो प्रभु। बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं आपको। जय हो। कुछ इस तरीके का मंदिर है यहाँ पे बनाया हुआ, तो आप से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। और सुंदर सुंदर फूल खिल चुके हैं यहाँ पे आजकल, आपको मैं फूल दिखाने चाहूंगा। देखो ये है हमारा सिद्धिनाथ जी का मंदिर और ऋतुबाण जी का मंदिर, बहुत सुंदर सुंदर। बाण देवता का मंदिर है छोटा सा, इधर को ये पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स है आप देख सकते हैं।